भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। फिलहाल भारतीय टीम 3-1 से अजेय बढ़त पर है। अब सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला 7 मार्च से 13 मार्च के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा। हैदराबाद में हुए पहले टेस्ट के बाद केएल राहुल बाद में टीम से बाहर चले गए। वहीं धर्मशाला टेस्ट में केएल राहुल खेलेंगे या नहीं पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट आखिर टेस्ट में कई खिलाड़ियों को आराम भी दे सकता है। बुमराह की वापसी पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि केएल राहुल को इलाज के लिए विदेश भेजा गया है और करीब 1 सप्ताह से उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में अपुष्ट तौर पर कहा गया है केएल राहुल लंदन में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले रहे हैं। राहुल को राजकोट में तीसरे टेस्ट के लिए 90% फिट माना गया है। तब वो पूरी तरह से ठीक नहीं थे जिससे बीसीसीआई और नेशनल क्रिकेट अकादमी NCA के मैनेजमेंट ने उनकी सिचुएशन पर पुनर्मूल्यांकन किया जिसके बाद उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। राहुल के दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द है जिसके लिए पिछले साल उनकी सर्जरी भी हुई थी। क्वाड्रिसेप्स यानी जांग में मौजूद मांसपेशी, यह माना जा रहा है कि कुछ है। टीम में उनके महत्व और उनकी दोहरी भूमिका को देखते हुए बीसीसीआई सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उनके साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इस रिपोर्ट ने हालांकि यह बात बताई कि केएल राहुल कब वापसी करेंगे इसके बारे में चीजें क्लियर नहीं हुई। बीसीसीआई के सूत्रों ने क्रिबज को लंदन से राहुल की वापसी की तारीख पुष्टि नहीं की। हैदराबाद में पहले टेस्ट में केएल राहुल ने 86 और 22 रनों की पारियां खेली थी। इसके बाद उनको एहतियातन विशाखापट्टनम वाइजैग में दूसरे मैच के लिए आराम दिया गया। इस दौरान इस बात की उम्मीद थी कि वो राजकोट में तीसरे मैच में वापस कर सकते हैं लेकिन चौथे टेस्ट में पहले राहुल बीसीसीआई के एक प्रेस रिलीज में कहा कि वो चौथे टेस्ट से बाहर हो गए। धर्मशाला में अंतिम टेस्ट मैच में उनकी भागीदारी फिटनेस पर निर्भर है। बीसीसीआई ने पहले कहा था कि केएल राहुल की फिटनेस 90% है जिससे इंडियन प्रीमियर लीग IPL में उनकी भागीदारी लगभग तय हो गई है। लीग में उनके प्रदर्शन के आधार पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उनके चयन पर विचार किया जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल IPL में मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं और वहां विकेट कीपिंग की दोहरी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें धर्मशाला टेस्ट में कौन खेलेगा कौन नहीं इस पर फिलहाल अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI नेशनल सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट सीरीज के अंतिम मैच के लिए कुछ खिलाड़ियों को आराम देने का विचार कर रहे हैं। टेस्ट 7 मार्च से शुरू होने वाला है। वहीं यह तय किया गया कि रांची टेस्ट के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था, वो अब धर्मशाला मैच के लिए वापसी करेंगे। वहीं कुछ खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उनको आराम देने के लिए चर्चा चल रही है जिसमें एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज दोनों का जिक्र है। मंगलवार को चौथे टेस्ट के बाद रांची से रवाना हुए भारतीय खिलाड़ियों को 2 मार्च को चंडीगढ़ में इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी मेहमान टीम के खिलाड़ियों के साथ 3 मार्च को चार्टर्ड फ्लाइट से जरिए धर्मशाला के लिए उड़ान भरेंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।